आ गया बेटा? हाँ मम्मी। आ जा। मम्मी बहुत भूख लगी, खाना लगा दो ना प्लीज। हाँ बेटा लगाती हूँ। अच्छा सुन। हाँ। कुछ है तेरे लिए। मेरे लिए? क्या? तू बैठ अंदर, अभी आती हूँ। अच्छा। बेटा अपनी आंखें बंद कर। आंखें बंद कर? क्यों? कर तो सही। अब अपने दोनों हाथ आगे कर। बेटा तू इतने दिनों से मुझसे कुछ मांग रहा था ना, ये लो। ये क्या है? देखना। अच्छा। लैपटॉप। थैंक यू मम्मी। अच्छा अब लैपटॉप के लिए संध्या दीदी को तंग मत करना। हाँ। और हाँ लैपटॉप का गलत इस्तेमाल मत करना। ठीक है मम्मी। चल जा। हाय गाइस, आई फाइनली हैव अ न्यू लैपटॉप। शुभम, कुणाल, राहुल, एक्सेप्ट एक्सेप्ट एक्सेप्ट। न्यू फ्रेंड रिक्वेस्ट, प्रिया, एक्सेप्ट। हाय अनुराग। Hi, handsome. आप भी बहुत beautiful हो। Oh, line मार रहे हो? अरे नहीं नहीं, just compliment कर रहा हूँ। आपने भी तो किया ना compliment। You're so cute. Hi Priya, how are you? Oh, कोई इतना क्यूट कैसे हो सकता है? मैं तो मर ही जाऊं। कौन क्यूट? ओहो, तुम्हारी बात कर रही हूँ। ये जो डीपी लगाई है ना तुमने, I'm तो flat। बस बस, इतनी भी कोई क्यूट पिक नहीं आई है। हाय प्रिया। लगता है मुझे प्यार हो गया है। किससे? ओफो, तुम लड़के इतने डम क्यों होते हो? ऑब्वियसली तुमसे। रियली प्रिया, सच्ची बताऊं तो मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है, पर डर था कि कहीं तुम मना ना कर दो। आई लव यू प्रिया। आई लव यू टू अनुराग। प्रिया, क्या हम फोन में बात कर सकते हैं? हाँ क्यों नहीं, पर तुम प्लीज मुझे बिना बताए फोन मत करना। हाँ डन, मैं तुम्हें बिना बताए फोन नहीं करूंगा। ये मेरा नंबर है। ओके अनुराग, ये मेरा नंबर है। अनुराग,
अपनी कोई प्राइवेट पिक्चर सेंड करो ना। प्राइवेट पिक्चर, ये लो। ओनो अनुराग, मेरा अकाउंट ओपन था, मेरे भाई ने हमारी सारी चैटिंग पढ़ ली। अब मैं क्या करूंगी? मैं तो मर गई, मेरा भाई बहुत खतरनाक है, वो हमें मार डालेगा। मैं तो मर जाऊंगी अनुराग, प्लीज मुझे बचा लो प्लीज, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। डरो मत प्रिया, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम टेंशन मत लो। हेलो, अजीत बोल रहा हूं, प्रिया का भाई। साले बहुत खुजली चढ़ी है ना तेरे में, तेरी पूरी खुजली मिटा देता हूं मैं। तेरे भेजे हुए गंदे फोटोज और चैट्स जाके पुलिस और तेरे घर वालों को भेजता हूं। हेलो भैया, ऐसा कुछ नहीं है भैया, हम एक दूसरे को प्यार करते हैं। प्यार? तेरा प्यार गया भाड़ में, मेरे बहन की जिंदगी बर्बाद हो गई है, कौन करेगा रे उससे शादी? सुन, मेरे को 50,000 चाहिए। 50,000? मैं 50,000 कहां से लाऊंगा भैया? ठीक है, 25,000 भेजना। और सुन, अगले हफ्ते तक मेरे को पैसे नहीं मिले ना तो फोटोज और चैट्स जाके पुलिस को दे दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, कहां से लाऊंगा 25,000 रुपए? पता नहीं प्रिया का क्या हाल हो रहा होगा। ये क्या कर दिया तूने प्रिया, तूने हमारे विश्वास का गलत फायदा उठाया है, ये सब करती थी हमारे पीठ पीछे। मुझे कुछ भी करके पैसे का इंतजाम करना होगा। हाय हैंडसम, इतना क्यूट कोई कैसे हो सकता है? मैं तो मर ही जाऊंगी, अपनी कोई प्राइवेट पिक सेंड करो ना। ओ नो अनुराग, मेरे भाई ने अपने चैट्स पढ़ लिए हैं, अब वो मुझे मार डालेगा। अनुराग, अनुराग बेटा, खाना क्यों नहीं खा रहे हो? हाँ खा रहा हूँ मम्मी। खाओ। अगर अगले हफ्ते तक पैसे का इंतजाम नहीं हुआ तो वो फोटोज और चैट्स अजीत भैया पुलिस को ना दे दें, अब मैं क्या करूँ? हेलो। अबे सुन, कल तक पैसे का इंतजाम हो जाना चाहिए। हाँ कल तक पैसे का इंतजाम हो जाएगा, मैं पैसे का इंतजाम करता हूँ। ठीक है भैया। अनुराग बेटा, मैं मार्केट जाके आती हूँ। क्या बात है बेटा, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं तो मम्मी, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ठीक है। अच्छा संध्या दीदी अंदर पढ़ाई कर रही है, उसे डिस्टर्ब मत करना। हाँ मम्मी। ठीक है अपना ख्याल रखना, मैं आती हूँ। क्या करूं, कहां से लाऊं पैसे? क्या हो रहा है अनुराग? कुछ नहीं दीदी। कहाँ पे जा रहे हो? ट्यूशन जा रहा हूँ। अच्छा ट्यूशन जा रहे हो? माँ कह रही थी तुम कुछ अजीब सा बर्ताव कर रहे हो, ना ठीक से खा रहे हो, ना कहीं घूमने जा रहे हो, घर पे रहते हो तो टीवी देखते नहीं हो, और ऊपर से मेरे कमरे में मुझे तंग भी नहीं करने आते हो, क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं हुआ है दीदी। कुछ नहीं तो फिर ये तुमने कंगन चुराया उसका क्या? देखो अनुराग तुम मुझे बताओगे नहीं तो मैं तुम्हारी कैसे हेल्प करूंगी, तुम मुझे बताओ तो सही। कुछ नहीं हुआ है दीदी। अच्छा अच्छा ठीक है, हम बैठ के बात करते हैं, ठीक है मेरे साथ चलो। अब बताओ क्या हुआ? दीदी मैंने एक लड़के के साथ चैटिंग कर रहा था, उस लड़की प्रिया से मुझे प्यार हो गया था, पर उसके भाई अजीत ने हमारी सारी चैटिंग पढ़ ली। उसने बोला अगर मैंने उसको 25,000 रुपए नहीं दिए तो वो पुलिस के पास चले जाएगा, मुझे बचा लो दीदी। अनुराग रो मत, मैं हूँ ना, और तुमने ऐसे कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें हेल्प नहीं करूँगी? ऐसे कभी होता है तो फैमिली को बताना चाहिए, वो जरूर हेल्प करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, तुम उससे कभी मिले हो? नहीं दीदी। उसके साथ बात की है? नहीं। दे उसका नंबर, मैं बात करती हूँ। हेलो। हेलो, हाँ मैं बीबी कंपनी से बात कर रही हूँ, आपका नंबर लकी ड्रॉ में लगा है, आपको थाईलैंड का प्राइज मिला है। बोलिए ना, बोलिए ना। आपका पूरा नाम क्या है? कमल शिंदे। आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं? मैं और मेरी बीवी रहते हैं। अच्छा फिर आपकी कोई भाई और बहन? नहीं नहीं कोई भाई और कोई बहन नहीं मेरे को, मैं और मेरी बीवी दोनों ही रहते हैं। ठीक है मैं आपको थोड़ी देर में फोन करती हूँ। हाँ हाँ करना, हाँ मैं वेट कर रहा हूँ। हाँ सर। घबराओ नहीं, मैंने उसके साथ बात की है, उसकी कोई बहन है ही नहीं, और वो लड़की बनके तुम्हारे साथ बात कर रहा था, वो भी पैसे के लिए। और हाँ उसका नाम अजीत नहीं कमल है। कमल? हाँ। अबे सुन, पैसों का इंतजाम हो गया ना? कहाँ मिलना है और कितने बजे मिलना है सब डिटेल सेंड करता हूँ। कमल बोल रहा है ना तू? कौन कमल? चेक कर दे पुलिस में मेरी कंप्लेंट। अबे तू क्या करेगा मेरी कंप्लेंट? मैंने की है कंप्लेंट तेरे खिलाफ। और सुन, आगे से किसी को बेवकूफ बनाने की कोशिश भी मत करना, चल फोन रख।
प्लान चौपट हो गया। अब क्या करूं? थैंक यू दीदी। अनुराग मत रो, सब ठीक हो जाएगा। इंटरनेट इज अ ग्रेट प्लेस टू बी इन। जहां इंटरनेट के कई सारे फायदे हैं, वहीं कुछ नुकसान भी हैं। पर कुछ लोग इंटरनेट का गलत इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से वो कई सारी प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं। इंटरनेट पे किसी को भी दोस्त बनाने से पहले 10 बार जरूर सोचें कि वो जेन्युइन है कि नहीं। किसी के साथ भी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर ना करें, यानी कि आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपका डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड नंबर और आपका ATM पिन। अगर आप इंटरनेट की दुनिया में किसी प्रॉब्लम में फंस गए हैं तो अपने पेरेंट्स को इसके बारे में जरूर बताइए। वो आपको डांटेंगे जरूर, पर वही हैं जो आपको इस मुसीबत से बाहर निकालेंगे। और अगर आपको लगता है कि प्रॉब्लम कुछ ज्यादा बढ़ गई है तो पुलिस और साइबर क्राइम सेल की हेल्प लें। दे विल डेफिनेटली हेल्प यू। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, स्टे सेफ इन द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट। Please give it a thumbs up and do share your views and comments down below and always beware, please do not share your personal information on the internet without knowing the person properly. And subscribe to my channel. Yeah!